हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर नगर परिषद में सफाई कर्मी भर्ती के लिए अन्य जातियों को भी लेने की विज्ञापन जारी की गई थी, जिसके बाद शहर के भगवान महावीर टाउन हॉल में लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से 88 लोगों का भर्ती प्रक्रिया में चयन किया था। लेकिन ये भर्ती नगर परिषद और बाड़मेर जिला प्रशासन के गले की फांसी बनकर रह गई है। दरअसल भर्ती के बाद चयनित सफाई कर्मियों की लिस्ट जारी होते ही वाल्मीकि समाज ने प्रशासन पर भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। वहीं वाल्मीकि समाज द्वारा नगर परिषद और जिला प्रशासन का लगातार विरोध किया जा रहा है। आज मंगलवार को वाल्मीकि समाज के 3 महिला पुरुषों ने हाथ में झाड़ू लिए नगर परिषद से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और नगर परिषद सहित जिला प्रशासन का विरोध किया। जिला प्रशासन पर पहुंची वाल्मीकि समाज की महिलाएं जिला कलेक्टर पर भड़की नजर आईं। महिलाओं ने कहा कि जिला कलेक्टर को शर्म आनी चाहिए, जो वाल्मीकि समाज का हक मार रहे हैं। वाल्मीकि समाज की महिलाओं ने कहा कि समाज में कुछ महिला विधवा हैं और उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी परवरिश करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। वहीं समाज में कई परिवार ऐसे हैं जिनके घर में किसी एक की भी नौकरी नहीं है। उनका कहना है कि सरकार वाल्मीकि समाज के प्रत्येक परिवार में एक नौकरी दे, वहीं अन्य जातियों को इस भर्ती से बहिष्कृत करे। वाल्मीकि समाज का कहना है कि जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलती उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं महिला कर्मियों ने कहा कि अगर हमें नौकरी नहीं मिली और प्रशासन द्वारा वाल्मीकि समाज का हक मारा गया तो हम गड्ढा खोदकर यहीं मर जाएंगे, अपने हक के लिए कुछ भी करेंगे। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।